ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लॉस सैंटोस के लॉन्ग बैंक में एक बहुत तगड़ी बढ़िया से प्लान करके हाइस्ट करी थी, जिस हाइस्ट में हमें ढेर सारा गोल्ड, कैश, डायमंड्स और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा मिनी गोल्डन मंकी स्टैचू मिला था, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस हाइस्ट को करने का मेन रीज़न ये था कि आप लोग को पता होगा अपना जो नया वाला शोरूम है थोड़े दिनों में वो भी बनने वाला है, और उस शोरूम के लिए हमें ढेर सारी कार्स चाहिए और ढेर सारा पैसा चाहिए ताकि उस शोरूम को हम लोग और अच्छे से बनवा पाएं। और जो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है, उसका जो भाई है, वो अपनी सारी गाड़ियाँ लॉस सैंटोस लेकर आया हुआ था उन्हें बेचने के लिए, और उन कार्स को मुझे खरीदना था। बट यार, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। मतलब वो तो अपनी तरफ से उन कार्स को हाफ प्राइस में बेच रहा था, बट मुझे जो जो कार्स चाहिए थी ना, उन कार्स का जो हाई प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा था। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा दिनों बाद नहा रहा हूं, थोड़ी बहुत योगा भी कर लिया है, और आज भी मुझे काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो मुझे अपने शोरूम के लिए निकलना है, ये देखने के लिए, पुराने वाले शोरूम के लिए नहीं, नए वाले शोरूम के लिए, और वो भी ये देखने के लिए कि आखिर वहां पर कितना काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत नहा लिया, जल्दी से जल्दी कपड़े चेंज कर लेते हैं, जूस भी यहाँ पर रेडी है, तो फटाफट से इसको भी पी लेते हैं भाई। अभी अपने पास ढेर सारा पैसा हो चुका है भाई, मतलब बहुत सारा गोल्ड भी है, डायमंड्स भी है, सारा पैसा भी हमने लेस्टर के पास रखा हुआ है। लेस्टर धीरे धीरे करके उन्हें जैसे जैसे दूसरी दूसरी कंट्रीज में बेचेगा, और उसके बदले हमें मिलने वाला ढेर सारा कैश। तो आज जाकर मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत कैश भी लेना है, और सबसे पहले तो देखते हैं शोरूम में आखिर कितना काम हो चुका है, उसके बाद हमें आगे पता चलेगा। बाकी हाँ यार, बस एक बारी वो गाड़ियाँ मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। वो जो कार हमें चाहिए थी वो लास्ट टाइम हमें मिल नहीं पाई थी, क्योंकि जब मैं सारा पैसा लेकर वहाँ पर पहुँचा तब वहाँ पर आ गई थी FIB, वो भी मुझे अरेस्ट करने के लिए। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, स्वैट सोल्जर्स भी आ गए थे, टेररिस्ट भी आ गए थे, और दोनों मिलके मुझे पकड़ना चाहते थे, नहीं नहीं, मेरे को वो मारना चाहते थे, और ये हरकत मुझे नए वाले मिलिट्री कर्नल की लग रही है। फिलहाल छोड़ो, जैसे तैसे हम लोग वहां से बच गए थे, सही टाइम पे ट्रेवर वहां पर आ गया था, और डील वील तो हो नहीं पाई। अच्छी बात यह कि हम लोग वहां से बचकर निकल गए और सारा पैसा भी अपना बच गया। तो गाइस अभी ना फिलहाल के लिए हम लोग अपना फेवरेट सूट ही पहन लेते हैं। और लास्ट नाइट ना गाइस, मुझे लेस्टर का एक कॉल आया था, जिस कॉल को सुनने के बाद ना मुझे थोड़ा बहुत टेंशन और एक चीज को लेकर। आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम ना गाइस, हमने अपने बगल से 5 से 6 रेंज रोवर जाती हुई देखी थी, और वो जो गाड़ियां मेरे हिसाब से बिग माफिया के भाई की थी। और लेस्टर का भी रात को मेरे को कॉल आया, और उसने मुझे बताया कि शायद से जो बिग माफिया का भाई है ना, वो जेल से छूट चुका है। वैसे वो जेल में था ही नहीं, वो एक सबमरीन में था, और वो सबमरीन भी पूरे डीप अंडर वाटर में थी। पता नहीं वो कैसे बाहर निकल गया। बट हाँ यार, आपको पता है न्यू मिलिट्री कर्नल चेंज हुआ है, और जो पुराना वाला मिलिट्री कर्नल था उसने मुझे कहा भी था कि हो सकता है जो नया वाला मिलिट्री कर्नल है ये बिग माफिया के भाई को छोड़ दे। फिलहाल ये दोनों कार्स आप अपनी देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा सही लग रही है, वो तो अपनी रॉयल विंटेज कार है, एंड दूसरी अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है। फिलहाल अपनी जो बुगाटी है वो मैंने अभी अपने गैराज में खड़ी हुई है, एंड ये है अपनी सबसे ज़्यादा रॉयल कार, जो कि है रॉल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन। इस गाड़ी को ना गाइज यहीं पर खड़े रहने देंगे, इस गाड़ी से अपने घर की जो लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। फिलहाल यार अभी ज़्यादा फालतू टाइम पास नहीं करना, मुझे यार लगता नहीं है कि बिग माफिया का भाई छूटा होगा। मतलब लेस्टर तो कह रहा है हो सकता है छूट गया हो, बट 100% श्योर नहीं है, क्योंकि वो जो सबमरीन है उसकी लोकेशन भी मिलिट्री कर्नल के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। हो सकता है एक दो मिलिट्री सोल्जर को और मालूम हो, बट 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए। वैसे हाँ, उस कार में ना एक फुटेज आई है जिसमें वो हमें नज़र भी आ रहा है, बट वो 100% नहीं कह सकते कि वही है, क्योंकि यार जरूरी थोड़ी है कि 6 रेंज रोवर उसी पे हो, और किसी पे भी हो सकते हैं भाई, इतने सारे VIP बंदे रहते हैं अपने लॉस सैंटोस में। यार छोड़ो, कोई टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर बिग माफिया का भाई छूट भी गया होगा तो देख लेंगे क्या करना है। वैसे सीधी सी बात, अगर वो छूटेगा ना तो भाई अपनी दुश्मनी जरूर निकालेगा हमसे बदला लेके। वैसे गाइस, वो चोरी करने के बाद अपने पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका है कि हम लोग चाहे तो एक नया घर भी खरीद सकते हैं, बट हाँ लॉस सैंटोस में नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर तो अपने पास ऑलरेडी एक इतना ज्यादा बड़ा विला है, हमें कोई दूसरा घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग इन पैसों से लिबर्टी सिटी में, और वो भी किसी बढ़िया जगह पर, एक बढ़िया सा घर खरीद लें, जैसे अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड का। या आपने देखा ही था उसका जो घर है, मतलब कितना ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा था, तो कुछ उस टाइप का एक घर मैं भी खरीदने की सोच रहा हूँ, वो भी लिबर्टी सिटी में। बट मेरे हिसाब से वहाँ पर जो घर का प्राइस है वो यहाँ से x3 होगा। भले ही वहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती है, बट घर नहीं सस्ते होंगे, क्योंकि वो सिटी बहुत ज़्यादा महंगी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं मुझे वहाँ पर घर लेना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। फिलहाल अभी हम लोग अपने शोरूम से ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी गाड़ी भगाते हैं यार, इतना टाइम नहीं अपने पास।
लैम्बो लिया तो फायदा तो उठाएं कुछ। वैसे गाइस लैम्बोर्गिनी सियान से कटिंग मारने का ना एक अलग ही मजा है। ये देखो भाई ये गाड़ी कैसे लहर मारती हुई निकल जाती है हर जगह से। ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर सीधा अपने शोरूम में पहुंचने वाले हैं और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आज भी जो काम है वो बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्होंने बोर्ड्स लगाए थे इनको भी हटाया नहीं है और मुझे दोबारा से अपनी गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से घुमा कर लाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं और घुमा के लाते हैं। वैसे अच्छी बात है इस बार लैम्बोर्गिनी से आना है, लास्ट टाइम रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन थी और उसको मैं इतने घटिया कच्चर रास्ते से भाई लेकर आता। कच्चर क्या होता है भाई, मैं पहली बारी वर्ड इन्वेंट करे जा रहा हूँ आजकल मैं। लेट्स गो, फिलहाल जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आखिरकार काम जो है कितना कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि काम बंद पड़ा है सारी, क्योंकि मशीनें रुकी हुई है एंड यहाँ पर ट्रक वगैरह तो आ रहे हैं काफ़ी सारे। रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, हम लोग अपनी गाड़ी एक काम करते हैं साइड से अंदर ले जाते हैं। भाई मैं पैदल नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बिल्डर जो है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओ भैंस की क्या भिड़ा। एक सेकंड यार, आगे ना पत्थर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, अभी भी छत पर काफी ज्यादा काम चल रहा है। अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर देते हैं और साइड साइड से ना गाइस पैदल निकल लेते हैं। मेरे को ना आज बिल्डर भी अपना जो है नजर नहीं आ रहा इधर कहीं पर भी। मेरे को पता क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उसको मैंने आगे की पेमेंट नहीं करी थी इसलिए वो काम बंद करके ना चला गया। ओ नहीं नहीं नहीं, उसकी गाड़ी सामने खड़ी हुई है। मेरे हिसाब से ना इन लोग का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस इन्होंने ये जो अपने शोरूम पे सस्ता सा पेंट करा है ना इस पेंट को एक लग्जरी फिनिश देना बाकी है, उसके बाद इसमें मस्त लुक आ जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पर यू टूल के बोर्ड से इन्होंने वापस से लगा दिए हैं, यहाँ पर अपना बोर्ड लगेगा माइकल मोटर्स का, सब कुछ होने भाई अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर बिल्डर से बात करने। गेट तो भाई इन्होंने काफी मस्त बनाया और एंट्रेंस भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कितनी ज्यादा सही लग रही है। भाई महंगे महंगे पत्थर लगे अपने शोरूम में एंड अभी मैं अपने शोरूम के अंदर आ चुका हूँ। भाई सब चार पांच दिन के अंदर इन्होंने भाई काम देखो भाई A1 काम है। फिलहाल अभी अंदर पेंट वगैरह होना सब कुछ बाकी है, पूरा जो शुरू में गाइस पूरा मस्त बनने वाला है और ये इतना छोटा सा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से भी। ये वाला जो गैराज का डोर है ना ये पीछे खुलेगा, अभी बंद पड़ा है पीछे काम चल रहा है, ये गेट खुलेगा उसके बाद पीछे एक बहुत बड़ा गैराज बनने वाला है जहाँ पर जितनी भी अपने पास कार्स रहेगी ना एक्स्ट्रा वो पीछे खड़ी होगी, बाकी जो लग्जरी कार्स है वो सारी की सारी आगे खड़े होने वाली है एंड पीछे ही बैनी का भी हम लोग गैराज बना देंगे जहाँ पर वो मॉडिफिकेशन करेगा। फिलहाल मैं इससे भी बात कर लेता हूँ, पूछते हैं भाई आखिर और कितना टाइम अभी इसको पूरा कंप्लीट होने में लगने वाला है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि आगे का काम करवाने में तो इसको 10 दिन भी नहीं लगेंगे। अब बस तुम ये बताओ कि तुम आगे की पेमेंट कब कर रहे हो ताकि काम दोबारा से कंटिन्यू हो। वही मैं सोच रहा था कि इतनी देर से मुझे यहां पर एक भी कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात ये है, जो हमने इसको पहले $50 million पे कर रहे थे ना उन पैसों में इसने इस शोरूम को तोड़ के दोबारा से बना दिया है और जो फर्स्ट फ्लोर मींस ग्राउंड फ्लोर का जो काम है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अभी फर्स्ट फ्लोर बाकी है और पीछे वाला पूरा गैराज बाकी है जिसको कंप्लीट करने के ये $50 million और मांग रहा है, जो कि यार सच्ची में बहुत ज्यादा है। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल मांग रहा है तो उसको हमें पे करने पड़ेंगे क्योंकि भाई काम करवाना है और अभी अपने पास पैसों की कमी भी नहीं है। फिलहाल अभी जल्दी से निकलते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए क्योंकि गाइस आज ना एक हमारी बहुत तगड़ी रेस है। ओ एक सेकंड भाई, यहाँ पर पत्थर वत्थर भाई बहुत ज्यादा गिर रहे हैं साइड साइड से, मैं पहले जल्दी से ना भाग कर निकल लेता हूँ। तो हाँ गाइस मैं ये कह रहा था आज अपनी एक बहुत तगड़ी रेस है वो भी फ्रांस में, तो हमें पहले वहां पर जाना पड़ेगा और उस रेस को जीतना उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो जो लोग उस रेस के अंदर टॉप 3 आएंगे उनको बहुत तगड़ी तगड़ी लग्जरी कार्स मिलने वाली है। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कार्स मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम लोग उस रेस में टॉप 3 आते हैं तो हमें वर्ल्ड की नंबर 1 रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, मींस वहां पर अपनी एंट्री हो जाएगी जो कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उस रेस में पार्टिसिपेट करके टॉप 3 आना ही आना है। तो फटाफट से गए सबसे पहले अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, बैनी से कुछ पूछते हैं किस टाइप की गाड़ी वगैरह ले जानी चाहिए ताकि हम लोग उस रेस को कुछ भी करके जीत के आए। अब ये थोड़ी है कि भाई हर रेस में सुपर कार ही ले जाएं, वैसे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान बहुत तगड़ी है बट रेस थोड़ी खतरनाक सी हुई तो सीन अलग हो जाएगा, इसलिए पहले चलते हैं बैनी के पास, उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल बात करें अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की तो भाई ये तो ऐसी गाड़ी है कहीं से भी कट मारती हुई निकल जाती है बहुत प्यार से, और जहां पर 50 की स्पीड लिमिट होती है वहां पर तो ये 500 की स्पीड से भागती है। वैसे ज्यादा हो गया थोड़ा, 500 नहीं पर फिर भी यहाँ 300 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से तो इसे मैं भगाता ही हूँ। फिलहाल आगे वाले कट से मुझे राइट मोड़ना है और मैं थोड़ा सा आगे लेकर आ गया। तो फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से यू टर्न मारकर लेकर चलते हैं सीधा अपने शोरूम पे। वैसे मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा आगे और जाना है। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी भगाते भगाते सीधा अपने पुराने वाले शोरूम में पहुंचने वाला हूँ और अभी तो वाला यार शोरूम बन के रेडी भी नहीं हुआ और इस शोरूम को मैंने पुराना शोरूम बोलना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल मुझे आगे वाले कट से अपनी लैम्बो को
राइट मोड़ना है एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई इधर स्पीड लिमिट है 15 की, बट अपनी गाड़ी को मैं भगाता हुआ लेकर जाने वाला हूँ 150 के। एक सेकंड भाई ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, वरना किसी दिन ब्रेक नहीं लगी ना तो सीधा अपनी गाड़ी नीचे नदी में जाके गिरेगी। बट किस्मत अच्छी, अभी तक मेरे को कोई ऐसी गाड़ी मिली नहीं कभी, मतलब ऐसा कोई गलत सीन हुआ नहीं। फिलहाल बीच रास्ते में मेरी बहनी से बात हो गई थी और ये कह रहा था कि इसने गाइस गाड़ी का जुगाड़ कर दिया है, जो गाड़ी हम लोग उस फ्रांस की रेस में यूज़ करने वाले हैं, और वो गाड़ी मुझे यही लग रही है। बहनी कल रात से इसको मॉडिफाई करने में लगा हुआ है, एसएस ने मुझे कॉल पर बताया था। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि कार कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बट इतनी ज़्यादा गंदी क्यों हो रही है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बहनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना ये बिल्कुल भी गंदी नहीं है, इसने इसके ऊपर कुछ पेंट ऐसा करा है ताकि इसकी जो लुक है वो थोड़ी डर्टी सी आए। मतलब कि आप लोग यहाँ पर कीचड़ मिट्टी देख पा रहे हो ना, ये सारा बहनी ने स्प्रे से पेंट मारा है इस कार के ऊपर। बट यार जो भी हो काफ़ी सही कार है, ये गाड़ी है Mercedes Benz 2020 एंड हम लोग उस रेस में अपनी Lamborghini या फिर और कोई सुपरकार इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां का जो ट्रैक है ना वो कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है। हमें अपनी गाड़ी को स्ट्रीट्स पे, हाईवे पे और थोड़ा ऑफरोड वाले रास्तों से निकालना है, तो वहां पर ये जो कार है ना ये फेल हो जाती है। तो उन सब जगहों के लिए अपनी ये स्पोर्ट्स कार चलती है, इसीलिए गाइस बेनी ने गाड़ी का पूरा मस्त जुगाड़ करके इसे पूरा मॉडिफाई कर दिया है। बाकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव करनी है एंड जो कल की फ्लाइट है वो भी मैंने बुक कर दिया है और हम लोग जाने वाले हैं ट्रैवर के साथ। अब यार देखो बेनी है कि उस रेस में ना अकेले जाना मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है, उस रेस में बहुत तगड़े तगड़े रेसर्स आने वाले हैं और उनमें से कुछ रेसर्स बहुत तगड़े तगड़े चीटर्स भी हैं, वो लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर भाई उस रेस को जीतने पे कम से कम 5 लग्जरी सुपर कार्स मिलनी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इससे बड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 रेस होने वाली है उसमें एंट्री मिलनी है। तो इसीलिए बंदे जीतने के लिए वहां पर भाई कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है बीच रास्ते में हमारी गाड़ी रोक ले और वहीं पर उसे पंचर कर दे हमें हराने के लिए, या फिर भाई हमें मार ही डालें। तो इसलिए ट्रैवर साथ में रहेगा, हम लोग अपना ड्राइविंग पे फोकस करेंगे और ट्रैवर हमारी सेफ्टी पे फोकस करेगा, उसके हाथ में गनवन पकड़ा देंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे गाइस बेनी ने ये सब बातें बताकर ना हमें थोड़ा सा डरा दिया है। फिलहाल मैंने ट्रैवर को भी कॉल करके बोल दिया लगे हाथी कि आज शाम 6 बजे की अपनी फ्लाइट है और हम लोग निकल रहे हैं सीधा फ्रांस के लिए। और ट्रैवर कह रहा चलो ठीक है वो रेडी है, फटाफट से एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। अब बस बेनी जल्दी से गाड़ी को मॉडिफाई कर दे क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 4 घंटे और बचे हैं और फिर हमें फ्लाइट पकड़ कर निकलना है सीधा फ्रांस। भाई साहब बहुत तगड़ी रेस होने वाली है मेरे हिसाब से तो वो। ओके गाइस फाइनली बेनी ने 2 घंटा और लगा के अपनी गाड़ी को जो है पूरा मॉडिफाई कर दिया है एंड अभी आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अपनी मर्सिडीज की जो लुक है कितनी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। मतलब यार देखो जो चीज पहले हमें थोड़ी कीचड़ मिट्टी जैसी लग रही थी ना, बेनी ने उसके ऊपर व्हाइट कलर का एकदम मस्त स्प्रे कर दिया है और अभी जो इसकी लुक है ना थोड़ी बहुत मतलब ओस जैसी सी आ रही है, मतलब काफी सही लग रही है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और इसको स्टार्ट कर देखते हैं कि इसका साउंड वगैरह कैसा है और ये जो गाड़ी है चलने में कैसी है। वैसे यार देखो बेनी ने मॉडिफाई करा है तो चलने में बहुत ज्यादा ही तगड़ी होगी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बेस बहुत ज्यादा आ रहा है, साउंड इसका बिल्कुल स्टर्लिंग जीटी जैसा मेरे को लग रहा है और गाड़ी के नीचे जो इसने व्हाइट लाइट्स लगाई है ना यार ये भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। एक बारी गाड़ी को ना हम लोग अंदर से देखते हैं, इसका इंटीरियर फिलहाल थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा ही है बट हाँ अच्छा लग रहा है, बेकार तो नहीं कह सकते। और अंदर इंटीरियर पे भी भाई इसने वो व्हाइट वाला अपना स्प्रे मारा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा अपने घर के लिए। एंड आप लोग यहां पर देख पा रहे हो पीछे वाले एग्जॉस्ट में से किस तरीके से फायर फ्लेम्स निकल रही है और ये काफी ज्यादा सही लग रही है। भाई अपनी गाड़ी जो है ना रात के टाइम पे पूरी चमकती हुई जाने वाली है। मैं चाहूं तो इन फायर फ्लेम्स को ऑफ भी कर सकता हूं बट हां ये दिन के टाइम में तो ऑफ कर दो सही है, बट रात के टाइम पे भाई ये बहुत ज़्यादा अलग लगने वाली है। आप लोग देख ही पा रहे हो भाई नेक्स्ट लेवल बेनी ने मॉडिफाई करी है। इसकी गाइस एक बारी मैक्स स्पीड और कंट्रोलिंग चेक कर लेते हैं एंड अभी इसको हाईवे से लेकर मैं चलता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। भाई 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 दिल जीत लिया इस कार ने तो। ओ एक सेकंड भाई 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 अभी निकली है तुरंत, मतलब नई नई कार आप इसे कह सकते हो, देखने में नई नहीं लग रही बट नई कार है और अभी ये ठुक जाती। चलो कोई नहीं गाइस अभी इसे भगाते हैं। इसकी स्पीड पिकअप उतना भी बेस्ट नहीं है बट हाँ जा रही है भाई 200 किलोमीटर पर आर पहुंच गई है और गाड़ी के कंट्रोल्स बहुत प्यारे हैं। भाई 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 एक सेकंड गाइस, वैसे मेरे हिसाब से ये जो कार है ना भाई 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर तो यार बहुत ज़्यादा प्यार से पहुंच सकती है, बट अगर हमें इसे उससे भी ऊपर ले जाना है तो इस गाड़ी के अंदर गाइस बेनी ने नाइट्रो भी लगा रखा है। हम लोग उसको थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं बट हाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी गैस भरी होगी हम लोग उसे उतना यूज़ करेंगे और रेस को कुछ भी कर जीत के आएंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई
क्या ही अलग समझ आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। वैसे गाइस देखो, ये जो गाड़ी है ना, मुझे हर एंगल से तो एकदम ओके लगी। बस इस कार के अंदर ना एक ही कमी है, और वो कमी है इसके स्पॉइलर की। मतलब कि इसका जो स्पॉइलर है ना, ये परमानेंट फिक्स हो रखा है अपनी जगह पर। अगर ये बुगाटी की तरह ऐसे बाहर निकल कर आता ऊपर उठ के और फिर ऊपर नीचे काम करता है स्पीड के हिसाब से ना, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता। बट कोई नहीं, वो भी हम चाहें तो मॉडिफाई करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। ये फ्लेम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे अच्छी लग रही है बेकार लग रही है। मतलब कभी कभी अच्छी लगती है, बस जब स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये फ्लेम कुछ ज्यादा ही लंबी से खिंच जाते हैं। फिर तो ऐसा लग रहा है भाई जैसे नाइट्रो में भग रही हो कार। बट वो चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लग रही है। चलो कोई नहीं, बाकी देखते हैं। ये देखो, जैसी स्पीड बढ़ाऊंगा ना, फ्लेम बहुत लंबी हो जाती है, पर मेरे को छोटी छोटी ज्यादा सही लग रही है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुके हैं घर पे। सिर्फ एक घंटा में अपना घर पर रेस्ट कर लेना है और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह लेने हैं कि हम लोग रेस करने जा रहे हैं भाई, तो कपड़े वगैरह अपने पास होने चाहिए बढ़िया से। तो कार को हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं एंड सब कुछ लेकर, ट्रैवर भी वहां पर पहुंचने वाला है एंड करेक्ट 7 बजे अपनी फ्लाइट है। और हम लोग इस गाड़ी को भी वहां पर लेकर जाने वाले हैं प्लेन में लोड कराने के लिए। हम लोग फ्लाइट में बैठकर, हमें उड़ाने की जरूरत नहीं है भाई, वो पायलट उड़ाएगा। हम इस बार अपना प्लेन लेके नहीं जा रहे, तो हमें सीधा वहां पर पहुंचना है और रेस भी स्टार्ट करनी है। ऊपर से पता नहीं क्यों काफी ज्यादा शोर आ रहा है मुझे। और ये देखो भाई, मुझे मालूम था ये जिमी पक्का यहाँ पर बैठकर गेम खेल रहा होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको गेम खेलने देते हैं। हम लोग चलकर भाई फटाफट से ना सो जाते हैं। हमें सारा सामान भी पैक करना है, बस सामान कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत कपड़े चाहिए हमें रेसिंग वाले। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं फटाफट से सोकर उठ चुका हूँ। सही है कि मैंने अलार्म लगा दिया था, और मेरे हिसाब से अभी करेक्ट 6:30 बज रहे होंगे। लेट्स गो। हाँ, तो करेक्ट 6:30 बज रहे हैं एंड ड्राइवर का भी मेरे को मैसेज आया था कि भाई जल्दी से रेडी हो जाओ, वो भी पहुंचने वाला है एयरपोर्ट पे। ओके गाइस, लेट्स गो। अभी फिलहाल मैंने अपनी फेवरेट रेसिंग आउटफिट पहन लिया है, जो कि भाई सच्ची में माइकल पे काफी ज्यादा सूट भी कर रही है। तो जल्दी से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं फटाफट से एयरपोर्ट के लिए। एंड भाई मेरा दोबारा से काफी ज्यादा मन कर रहा है उस गाड़ी को चलाने का। आखिरकार वो गाड़ी है यार इतनी ज्यादा बढ़िया, मैं क्या बताऊं। आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, भाई 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 नेक्स्ट लेवल लुक आ रही है इस कार की। जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। एक तो ये जो बैनी ने इसे गंदा करा है ना, मतलब इसको थोड़ा सा ये जो मस्त वाला लुक दिया है भाई, उससे तो ये जो गाड़ी है ना और भी ज्यादा मस्त लग रही है। फिलहाल वो जो इसकी कैंडल्स है ना गाइस, वो अभी भी मैंने ऑन कर रखी है। मैं सोच रहा हूं उसे पहले ना ऑफ कर दूं, वो बढ़िया रहेगा। एंड लाइट्स इसकी जला देते हैं पहले। तो छोड़ो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी भी ज्यादा घटिया नहीं लग रही। वैसे भी जब उसे रेसर्स देखेंगे ना, तो भाई उनकी हालत खराब होने वाली है कि भाई ये बंदा कौन सी कार ले आया, इसमें से कंटिन्यूअसली नाइट्रो निकले ही जा रहा है। फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकालते हैं एंड फटाफट से गाइस इसे भगाते हुए लेकर चलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। ओ भाई भाई भाई, पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से ये गाड़ी मेरे पास आई है ना, अपना लक खराब हो गया भाई। मतलब जैसे ही मैं गाड़ी में रेस देने की कोशिश करता हूँ, सामने से 3-4 गाड़ियां कट मारती हुई आ जाती है, और अगर मैं ब्रेक ना मारूं तो पक्का अपनी गाड़ी उसमें जाके ठुक जाए भाई सही में। ये देखो गाइस, इस चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो इसकी फ्लेम पूरी सड़क पर लहर मारती हुई जा रही है ना, ये मेरे को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा घटिया लग रही है। मैं क्या बोलूं, मतलब फ्लेम निकले बट थोड़ी सी लिमिटेड। और लो भाई, बातों के चक्कर में पूरा गलत आ गया, मुझे यहां से एकदम सीधा जाना है, फिर राइट होना है। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। और मुझे आगे वाला जो गेट है वहां से अपनी गाड़ी को अंदर एंटर करवाना है। फिलहाल इस वाले गेट से नहीं, मैं आगे वाले गेट से जाऊंगा। और अगर आज ये वाला सेंसर इसका काम नहीं करा ना, मतलब आज मैं अच्छी कार लेकर आया हूं, और ये जो इस एयरपोर्ट का गेट है ये हमेशा सुपर कार्स के लिए टाइम पर खुल जाता है, और बाकी जो नॉर्मल कार है ना उसके लिए तो कभी खुलता ही नहीं है। फिलहाल ये भी एकदम अपनी मस्त गाड़ी और गेट एकदम टाइम पर खुल गया, लेट्स गो। अभी फटाफट से गाइस, वो जो आप सामने कार को प्लेन देख पा रहे हो, उस प्लेन के अंदर हमें अपनी गाड़ी को लोड करवाना है। उसके बाद यहां पर काफी सारे जो प्राइवेट जेट हैं उसके अंदर बैठकर हमें निकल लेना है सीधा फ्रांस के लिए, और हमें ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, पायलट यहां पर इनके अपने हैं। तो फटाफट से गाइस चलते हैं हम लोग। और वो देखो गाइस, सामने ट्रैवर भी यहां पर पहुंचा हुआ है। भाई 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 चल एक मिनट रुक, मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी अंदर खड़ी कर आता हूं। और मुझे क्या लाइन लगानी पड़ेगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ देनी है, ये लोग अंदर ले जाकर उसे लगा देंगे। बट नहीं, अपनी गाड़ी में खुद कार को प्लेन के अंदर चढ़ाऊंगा। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को इस कार को प्लेन के अंदर लेकर चलते हैं। और आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, इस गाड़ी को जो सस्पेंशन है भाई कितने ज्यादा बढ़िया है। मतलब कि गाड़ी जमीन पर बिल्कुल भी नहीं टकराई है, ना ही आगे से ना ही पीछे से। फिलहाल यहां पर काफी सारी तगड़ी तगड़ी कार्स हैं जो कि इन रेसर्स ने अपनी लोड करवा दी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट कोई नहीं, हमें जगह मिल गई है, हम लोग अपनी गाड़ी को यहां पर लोड करवाते हैं। और अभी फटाफट से गाइस उतरते हैं और चलते हैं सीधा इस टाइम पर उस प्राइवेट जेट में बैठने के लिए। और भाई वैसे अगर देखा जाए, यहां पर एक से बढ़कर एक सुपर कार्स आई हुई है, और सारी कार्स जाने वाली हैं उस रेस में। और इन सभी कार्स के जो रेसर्स हैं वो शायद से प्राइवेट जेट में अपना जाकर बैठ चुके हैं।
तो फटाफट से हमें भी पहुंचना है क्योंकि वहां पर तीन तीन प्राइवेट जेट है, वैसे यहाँ बहुत जगह होगी। चलो यार चलते हैं, देखते हैं आगे कैसी रेस होने वाली है। तो ये रहा यहाँ पर ट्रेवर भैया, तो चल भाई आजा मेरे हिसाब से ना गाइस, हमें भी वहां पर अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी। ये वाला जो प्राइवेट जेट है ये तो शायद से पूरा भर चुका है, अभी जो मिड वाला प्राइवेट जेट है इस टाइम पर इसके अंदर सारे बंदे जा जाकर बैठ रहे हैं, और यहाँ पर जो पायलट है वो सबकी शायद से टिकट या फिर पता नहीं क्या चेक कर रहा है, बट कोई नहीं हम भी लाइन में लग जाते हैं, हमारी भी चेकिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो गाइस फाइनली अपनी चेकिंग कराने के बाद हम सभी लोग इस प्लेन के अंदर आकर बैठ चुके हैं, और सही बताऊं तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन है इस टाइम पर रेसर से ही भरा पड़ा है, और यहाँ पर जो पायलट है क्या कर रहा है, ओके तो शायद से अभी भी लिस्ट चेक कर रहा था पूरी, और फाइनली ये अपने जेट के अंदर आकर बैठ चुका है और हम सभी लोग इस टाइम पर टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं, तो लेट्स गो। और यहाँ पर भाई ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, अभी जस्ट प्लेन के अंदर बैठा ही था उसने प्लेन स्टार्ट भी कर दिया, बाकी यहाँ पर ट्रैवर भी है और पूरे प्लेन में रेसर्स ही रेसर्स फिलहाल भरे पड़े हैं, एंड भाई प्लेन में जस्ट ये पायलट बैठा है इसने तुरंत रेस दिया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, जितनी जल्दी उड़ाएगा उतनी जल्दी तो हम लोग पहुँचेंगे फ्रांस के लिए भाई भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम से उड़ा लिया भाई, क्योंकि मेरे को खुद के उड़ाने पे विश्वास है, किसी और के पे उतना नहीं है, बट ये ओ भाई 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 इसने एकदम झटके से भाई मोड़ा ऊपर को, बट कोई नहीं गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं, मेरे हिसाब से अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 2 घंटे हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, बट फाइनली अभी सब कुछ ओके है। और क्या लग्जरी प्लेन है भाई, रिफ्लेक्शंस देखो भाई अंदर को। वैसे गाइस आप लोग ना एक बार यहाँ से बाहर का नज़ारा देखो भाई, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब लॉस सैंटोस में देखो जो लाइट्स चमक रही है ना भाई, अलग ही चीज़ है। बट कोई नहीं, फिलहाल अभी तो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, काफ़ी टाइम लगने वाला है वैसे वहाँ पहुँचने में। तो ओके गाइस फाइनली हम लोग इस जेट में बैठकर फ्रेंच रिवियरा के एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, और इस टाइम पर गाइस जितने भी रेसर्स हैं ना वो सारे के सारे अपनी कार लेकर सीधा उस लोकेशन पर चले गए हैं जहाँ से रेस स्टार्ट होनी है। फिलहाल कार्गो प्लेन भी यहाँ पर आ चुका है, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं प्लेन में बैठने के लिए, एंड नहीं प्लेन में थोड़ी बैठना है, हमें अंदर से अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है, और अभी फटाफट से हमें भी उस जगह पर पहुँचना है जहाँ पर वो रेस स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल यार अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब कि 7-8 बज रहे होंगे, और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई इधर मौसम कितना ज़्यादा खराब हो रखा है, आंधी सी चल रही है, आंधी भी नहीं भाई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ऊपर से बर्फ़ सी गिर रही है। फिलहाल चलते हैं जल्दी से हम लोग अंदर, सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है, बस एक अपनी गाड़ी इसके अंदर बची हुई है, फटाफट से गाइस इसको निकालते हैं एंड लेकर चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ट्रैवर भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है, तो फटाफट से हम लोग अपनी मर्सिडीज बेंज एएमजी को इस कार को प्लेन से बाहर निकालते हैं और जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा ऐसे उस लोकेशन पर जहां से अपनी रेस स्टार्ट होनी है। फिलहाल मैंने थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड पर देखा नहीं, और गलती से अपनी गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत ठुक गई है पीछे से, बट यहाँ पर कोई भी डेंट वगैरह इस पर नहीं आया है, और वैसे भी गाइस ये जो रेस है ना ये थोड़ी बहुत डिले हो चुकी है पहले से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, और वैसे भी टाइम नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत लेट हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी से गाइस ये रास्ता कहां पर जा रहा है, मैं नीचे बेसमेंट में क्यों आ गया हूं, एक सेकंड भाई ये एयरपोर्ट की पार्किंग है, मुझे बस यहां से आगे वाले रोड पर जाना है, वहां से अपनी गाड़ी बाहर निकालकर यहां से पहले तो हम लोग ना लेफ्ट ले लेते हैं, और लेट्स गो भाई 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 आगे सूरज ऐसे निकल चुका है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मेरे को सामने का। तो गाइस वैसे ना मुझे इस शहर में एक भी बंदा घर के बाहर नहीं नजर आ रहा है, और ना ही मुझे यहाँ पर कोई भी गाड़ी आती जाती नजर आ रही है, शायद ऐसा हो सकता है कि सुबह का टाइम हो और कोई भी बाहर ना निकला हो, या फिर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ पर जो रेस होनी है ना उसके चलते इन्होंने सारा ट्रैफिक बंद करवा रखा हो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है सारी सुपर कार्स इन्हीं स्ट्रीट से निकलने वाली है, ये कोई हाईवे या फिर कोई ऐसा स्पेशल रोड नहीं है, एक नॉर्मल सा रास्ता है, और यहाँ पर से गाड़ियाँ भाई अभी 300-300 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएगी, और अगर कोई बंदा रोड वोड क्रॉस कर रहा होगा या फिर कोई गाड़ी भी जा रही होगी ना तो पक्की बात है भाई ठुकेगी ठुकेगी, क्योंकि भाई ओवरटेक नहीं हो सकता, रास्ते आप लोग एक बार देखो भाई कैसे से हैं, सामने कौन सी गाड़ी है कुछ नहीं पता चलने वाला। थोड़ा सा हम लोग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी गाड़ी को भगा के, भाई भाई एक सेकंड यहाँ गाड़ी तेज भगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ड्रिफ्ट प्रॉपर मारनी आनी चाहिए तभी हम लोग इस रेस को जीत पाएंगे। फिलहाल हो सकता है यही वो रास्ता हो जहाँ से हमें भी रेस करते हुए जाना हो। तो गाइस मैं ना अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और इतनी देर से अपनी गाड़ी में शहर में अगल बगल घुमाए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो जगह नहीं मिली है जहाँ से एक्चुअली रेस स्टार्ट होनी है। फिलहाल ये वाली जो जगह है ना यहाँ पर काफ़ी सारे टायर के निशान है, शायद रेसर्स भी अपनी गाड़ी लेकर यहीं से गए होंगे आगे की तरफ, बट सीधे गए होंगे राइट गए होंगे लेफ्ट गए होंगे पता नहीं यार, मुझे ना उन्हीं के साथ निकल जाना चाहिए था, अभी तक मैं वहाँ पहुँच जाता। सीन ये है कि यहाँ पर गाइस गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा, तो हमें जगह क्या ही पता चलेगी। फिलहाल सामने की तरफ में मुझे कुछ रेसिंग बोट्स नजर आ रहे हैं, एक सेकंड ओके गाइस फाइनली यहां पर आप लोग देख पा रहे हो सारे के सारे रेसिंग बोट्स हैं, यानी रेस आसपास ही कहीं हो रही है। फिलहाल सामने बलून भी है, लेट्स गो
फाइनली गाइस हमें वो जगह मिल गई है जहाँ से ये रेस स्टार्ट होनी है, और ये रहा गाइस इनका स्टार्टिंग बोर्ड। हम लोग भाई, मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा लेट हुए हैं क्योंकि रेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। पूरी ऑडियंस यहाँ पर आकर बैठी हुई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और अभी ज़्यादा रेसर्स आए नहीं भाई, यानी हम लोग लेट नहीं है। ये सारे के सारे वही रेसर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ अपने प्लेन में भर कर आई थी। तो फिलहाल हम लोग भी अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं, जब रेस स्टार्ट होगी तब लाइन से लगाएंगे। और यहाँ पर सारे बंदे अपना फुल मौज मस्ती में लगे पड़े हैं बातचीत करने में, बट हमारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। तो हमें बस इस टाइम पर रेस में ध्यान देना है और रेस जीत के यहाँ से निकलना है। बाकी कुछ बंदे काफी सस्ती सस्ती कार भी यहाँ से लाए हैं जो कि मेरे हिसाब से रिजेक्ट होकर यहाँ से वापस जाने वाली है। और यार पता नहीं इन भाई साहब जी की गाड़ी के टायर में क्या दिक्कत हो गई है, जब से मैं आया हूँ तब से ये बंदा गाड़ी का टायर ठीक करने में ही लगा हुआ है और इन बंदों की तो बात ही नहीं खत्म हो रही। और ड्राइवर भाई तू सिटअप्स करने में मत लग, वरना बंदे हम पे शक करेंगे तुम यहाँ लड़ने आए हो क्या। वैसे हाँ यार, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर खतरा बहुत है। फिलहाल की रेसर्स मेरे को शरीफ से लग रहे हैं और यार इतनी सारी ऑडियंस है तो इनके आगे हमें मजाक नहीं बनवाना है। रेस कुछ भी करके जीत के मुझे यहाँ से निकलना ही निकलना है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से भी हमें यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि जब तक सारे रेसर्स नहीं आ जाएंगे तब तक रेस नहीं स्टार्ट होने वाली। तो ओके गाइस, फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पर सारे रेसर्स आ चुके हैं और अपना जो रेस है वो भी स्टार्ट हो गया है। और मुझे पता है क्या लग रहा था कि यहाँ पर मैक्सिमम कार्स ना स्पोर्ट्स कार ही आने वाले हैं, बट इधर तो भाई सीन बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है और जितने भी बंदे यहाँ पर है ना गाइस सभी लोग अपनी सुपर कार्स लेकर आए हुए हैं। भाई 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 मेरी गाड़ी मत ठोक देना भाई, मैं अपनी साइड लगा ले रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी भाई आगे निकाल लो क्योंकि मैं अभी कोई गलत सीन यहाँ पर चाहता नहीं हूँ। भाई मुझे पता क्या लग रहा है कि अपनी ये जो मर्सिडीज़ है ना, ये लैम्बोर्गिनी फरारी बुगाटी के आगे थोड़ी फीकी पड़ने वाली है क्योंकि सीधी सी बात है भाई वो एक सुपर कार है और अपनी गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार है, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। फिलहाल कोई नहीं यार, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए मेरे को, पहले से ही थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से चलाएंगे और एक एक करके इन बंदों को मैं ओवरटेक करूंगा, वरना भाई ये एक्सीडेंट करके ना मेरे को एलिमिनेट कर देंगे रेस से, मेरे को लग रहा है वैसे ही। तो अभी फिलहाल रोल्स रॉयस वाला बंदा भी है यहाँ पर एक, जो कि पता नहीं किस उम्मीद से आया कि वो जीत जाएगा। भाई पता नहीं, उस बंदे से तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है भाई, रोल्स रॉयस इतनी हैवी कार है और वो उस कार से भाई से, ओ मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ बातों बातों में, लेट्स गो। अभी मुझे पोजीशन मेंटेन रखनी है क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता पीछे होना, और फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं। भाई अपनी किस्मत अच्छी थी, उन लोग का ना एकदम मस्त एक्सीडेंट हो गया और हम लोग सीधा फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। और एक सेकेंड मैं गलत ट्रैक से आ गया, मुझे अंदर वाली गली से होते हुए इधर आना है यार। भाई मेरे को आगे वाले कट से राइट होना था, वो सॉरी लेफ्ट होना था। ये सारे के सारे भाई बिल्कुल सही जा रहे, बहुत सही भाई बहुत सही, तुमने आके सारे पोल गिरा दिए मुझे नजर आ रहा है। तो यार देखो अभी ना एक बंदा तो मुझसे आगे जा चुका है, बट अभी मुझे और किसी को अपने से आगे नहीं जाने देना है। और ये बंदा भाई साहब अलग ही बावड़ी पूछ एकदम ठोक के गया ना, अब ठोकती रही ऐसे की तरह बड़ी तेज, जिसने मेरी गाड़ी ठोकी थी भाई। मतलब यार रेस चल रहा है, मजाक चल रहा है, इस बंदे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ तू बेटा, निकाल आगे, अभी मैं इसको ना सीधा इस रेस से एलिमिनेट करने वाला हूँ। बहुत हो गया इसका, ऐसी टक्कर मारूंगा। लो भाई वो खुद ही जाकर ठुक गया सामने वाले पोल में। अरे बुगाटी वाला बंदा मेरे से भिड़ना चाह रहा, आ जा बेटा आज मैं तेरे को अपनी मर्सिडीज की ना वैसे स्पीड तो नहीं दिखा पाऊंगा बुगाटी वाले के आगे, बट हाँ यहाँ पर गाइस स्पीड की जरूरत नहीं है इसलिए मेरी पोजीशन इतनी अच्छी मेंटेन है। मेन यहाँ पर इस रेस में सीन क्या है, जिसको जितनी अच्छी ड्रिफ्ट मारनी आती है और कट्स पर जितनी अच्छी गाड़ी कंट्रोल करनी आती है वही इस रेस में सबसे आगे रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, भाई सही करा था बैनी ने, हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी दे दी। और अभी तो अपने पास नाइट्रो भी है, हारने की अगर उम्मीद मेरे को ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं हारने वाला हूँ तब मैं उसे यूज़ करूँगा, अभी तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल की जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सामने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ अपनी गाड़ी मैंने देखो कितनी मस्त तरीके से मोड़ ली यहाँ पर भी। लेट्स गो गाइस, ये रेस मुझे नहीं लगता मेरे से कोई जीतने वाला है। फर्स्ट पोजीशन ये जो चल रही है ना, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक काम करते हैं यहाँ पर ना अपना फर्स्ट आने को हम लोग कन्फर्म ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी भाई साहब जी गाड़ी वाड़ी लेकर आ रहे हैं ना, अभी इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। अपनी गन्स वंस मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अभी तुम्हारी ऐसी जैसे तुम चीटिंग करोगे उससे पहले मैं ही तुमसे चीटिंग कर लेता हूँ। ओ भाई साहब गाड़ी ठोक के हमसे आगे जाकर निकल यहाँ से, मर ही नहीं रहा भाई, बुलेट प्रूफ क्लास है क्या। ओ हट ओ तेरी भाई, इस बंदे ने बैठो भाई जल्दी गाड़ी में बैठो, इस बंदे ने लाके गाड़ी ठोक दी और मजे मजे में भाई सब 2-3 लोग हमसे आगे निकल गए। जल्दी 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 बैठ भाई गाड़ी में। अरे यार चौथी गाड़ी भी आ गई है तेरे को तो मैं, लो भाई वो तो अलग ही नशे में है। चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना फिलहाल मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा आगे नहीं जा पाए होंगे। फिलहाल एक बंदा तो पीछे था, इसको हमने साइड कर दिया, और दूसरी गाड़ी ये वाली थी इसको भी मैंने पीछे करके साइड कर दिया है। और जो गाड़ी फर्स्ट पर चल रही है वो ये है, बट इसको मैं ओवरटेक कर तो दूंगा। चलते रही ऐसे निकल यहाँ से। और ये गाइस फाइनली हम लोग सीधा फर्स्ट पोजिशन
पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया एंड अपनी मर्सिडीज AMG से हमने इतने बड़े टूर्नामेंट को जीत लिया है। फिलहाल अपना जो प्राइस है गाइस वो आप सामने स्टेज पर देख ही पा रहे हो, तो फटाफट से गाइस इस प्राइस को लेकर और अगला जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसकी एंट्री टिकट को लेकर हम लोग वापस निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। फिलहाल बाकी रेसर्स बेचारे पीछे परेशान हो रहे हैं यार हम क्यों नहीं जीत पाए, और ये बेचारा सेकंड आया, पर फिर भी इसे बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि यार सेकंड वाले को सिर्फ अगले टूर्नामेंट की एंट्री मिलनी है, बट ये जो तीनों कार्स है ये सिर्फ फर्स्ट वाले को मिलने वाली है। और ये जिस बंदे ने टूर्नामेंट करवाया ये मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर इसके पास है रेंज रोवर एंड ये जो गाड़ी है गाइस ये भी बहुत तगड़ी है, पूरी क्रोम हो रखी है एंड इस कार का नाम है विजिलांते, भाई बहुत तगड़ी है। एंड ये है गाइस अपनी पीछे लैम्बोर्गिनी SVJ 63। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन सर से बात हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि तुम फटाफट से एक काम करो, ये जो तुम्हारी जितनी भी गाड़ियां हैं ना इन गाड़ियों को तुम स्टेज से नीचे उतार लो, उसके बाद यहाँ पर सबको अवार्ड मिलेंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और नहीं तो क्या। बाकी ये जो गाड़ियां ना हमें इसको ले जाने की टेंशन नहीं करनी, ये कह रहे हैं कि बस तुम अपना सीधा निकल लो यहां से और एक सारी गाड़ी हमें प्लेन के थ्रू भिजवा देंगे। चलो कोई नहीं, फिलहाल सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी को उतारने वाले हैं और आप लोग यहां पर पीछे देख ही पा रहे हो भाई, पता नहीं इसमें ब्लू ब्लू कलर की कैसी सी आग निकल रही है भाई इस गाड़ी से। चलो कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में टेस्ट करने वाले हैं। गाड़ी भी पूरी मिरर बनी पड़ी है भाई, इस पे कुछ इसी टाइप का पेंट हो रखा है, क्रोम पेंट। एंड ये है गाइस रेंज रोवर, भाई ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लुक किया है, कलर इसके अंदर थोड़ा बहुत कमी है, मेरे को से पूरा ब्लैक ही करवाना है। खैर वो भी हम लोग बाद में करवाएंगे, पहले इसको भी हम लोग यहाँ से नीचे उतारते हो, गेट बंद हो जा भाई। ओके चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी सभी गाड़ी को यहाँ पर साइड में लगा दिया है, अब फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से अपना अवार्ड लेते हैं और निकलते हैं यार फटाफट से, अब अपना इधर कोई भी काम नहीं है। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हमें इस रेस की फर्स्ट प्राइस ट्रॉफी जो है मिल चुकी है एंड आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई ये कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, एक टायर विद गोल्डन रिम्स और वो भी रियल गोल्ड, कोई नकली नहीं। फिलहाल अभी मेरे पास भाई फोटो वोटो खिंचवाने का टाइम नहीं है, एक दो फोटो क्लिक कर लो। अभी गाइस हमें जल्दी से जल्दी निकलना है सीधा लॉस सैंटोस के लिए क्योंकि और भी काफी ज्यादा काम है हमारे पास। बाकी ये जो गाड़ी है ना गाइस अब ये अपनी पर्सनल कार्स हो चुकी है और एक बार आप लोग खुद भाई से ध्यान से देखो इसका साइज एक बस जितना है। चलो कोई नहीं, फिलहाल ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, जल्दी से निकलते हैं। बाकी सारे रेसर्स बेचारे जा चुके हैं यहां से क्योंकि उनका भी दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि यार हम लोग जीते हैं ना कि वो। चलो कोई नहीं यार, फिलहाल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं अभी सीधा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर अपने लिए प्राइवेट जेट रेडी है, हमें कुछ नहीं करना, उस जेट में बैठना है एंड अपनी गाड़ी को लोड कराना है और जल्दी से निकलना है सीधा लॉस सैंटोस वापस। एंड कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, अब चलाते हैं ना प्यार में तमीज में गाड़ी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। एंड आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई क्या ही स्मूथनेस आ रही है। ओ नहीं भाई, एक सेकेंड भाई, पूरी गाड़ी पिछक गई आगे से, मैं ब्रेक पूरी मारने की कोशिश करी बट पता नहीं कैसे यार वो इसमें जाकर भिड़ गई है। तो गाइस अभी ना मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मतलब यार जिस गाड़ी ने हमें इस रेस को जिताया है, तीन तीन कार हमें दिलवा दी और हमने उसी गाड़ी को इतनी बुरी तरह आगे से ठोका है कि उसका आगे वाला टायर भी भाई गंदी तरह मुड़ चुका है। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली हम लोग अपनी कार लेकर सीधा लॉस सैंटोस इस एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं एंड सामने की तरफ में जो कार को प्लेन खड़ा हुआ है उसके अंदर सबसे पहले इसको लोड करवा देते हैं एंड ज्यादा तेज भगाने के चक्कर में ना पीछे से भी गाइस अपनी गाड़ी जो एक बार ठुक गई, मतलब पीछे से कोई ठुकने का मतलब नहीं बनता, वहां पर थोड़ा अच्छा खासा स्पीड ब्रेकर था बट मैंने ब्रेक नहीं मारी तो हल्का सा ही डेंट आया। फिलहाल अपनी गाड़ी यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है, जब बाकी लोगों की गाड़ी आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलकर जेट में बैठते हैं एंड ये वाला जो जेट है ना गाइस ये तो इनका पर्सनल जेट है, इससे सारे प्लेयर्स मतलब सारे रेसर्स वापस जाने वाले हैं। हम लोग उस दूसरे जेट को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं उसे चुरा के, क्योंकि भाई अभी ना हमें जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंचना है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर खराब करने के लिए। हमें लेस्टर का गोल पहले भी एक बार आ चुका है, अब पता नहीं वो क्या ही प्लानिंग कर बैठा हुआ, वैसे प्लानिंग कुछ नहीं। मेरे हिसाब से जो जितना भी पैसा है ना गाइस वो सारा हम चारों में हम पांचों में अब बटने वाला है। अंडरवाटर माफी नहीं भाई, वो चोरी करवाई थी तो उसको मिला के अब हम लोग पांच बंदे बन जाते हैं, देखते हैं भाई हमें कितना मिलता है। फिलहाल जल्दी से घुसते हैं इस जेट के अंदर। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं तो अपना आगे जाकर बैठ चुका हूं एंड ट्रेवर भी यहां पर आकर बैठ चुका है, जल्दी से इसे मारते हैं पीछे एंड फटाफट से गाइस इसे कर लेते हैं टेक ऑफ, बट यहां से नहीं, इसे पहले रनवे पर ले जाना पड़ेगा भाई, इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, एक प्लेन है और ये एयरपोर्ट भाई 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 इतने पैसे बचाए इस एयरपोर्ट को बनाने में, मैं क्या बताऊं। आप लोग यहाँ पर भाई देख ही पा रहे हो एक बड़ा प्लेन यहाँ पर लैंड कैसे हुआ होगा, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, जाली में उसकी पंखड़ी नहीं अड़ गई होगी, बट पता नहीं जैसे जैसे इन्होंने भाई करा लिया होगा, जुगाड़ू लोग हैं। फटाफट से गाइस अभी हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। तो ओके गाइस फाइनली हम लोग अपने प्लेन को लेकर सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, अब बस अपना जो प्लेन है भाई वो सेफली यहां पर लैंड कर जाए, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हाँ एक चीज को लेकर थोड़ी सी टेंशन है कि जो हमारी चारों गाड़ियां हैं वो उस टाइम पर अभी वहीं है,
बस वो चारों गाड़ियां भी सेफली यहां पर पहुंच जाए उस कार्गो प्लेन में, क्योंकि अपने लक का कुछ पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में वो सारी गाड़ियां चोरी हो जाए। वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं वैसे यहां पर अपना एक सेकंड पहले यहां पर हम लोग थोड़ा लैंडिंग पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी वो जो सामने वाला हैंगर है ना गाइस, उसके अंदर हमें अपने इस प्लेन को ले जाकर खड़े करना है। तो फटाफट से गाइस इसको हम लोग यहां से लेफ्ट मोड़ते हैं एंड जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा उस हैंगर के अंदर। वो अपना पर्सनल हैंगर है, बट अपने पास अभी ज्यादा प्लेन वगैरह है नहीं। तो गाइस देखो, ये सामने वाला अपना पर्सनल हैंगर है जहां पर हम लोग अपनी प्राइवेट जेट खड़े कर सकते हैं। फिलहाल अपने पास अभी कोई प्राइवेट जेट है ही नहीं जो हम लोग इसके अंदर खड़े करें। थोड़े टाइम पहले अपने पास एक गोल्डन जेट था, बट पता नहीं यार वो कैसे चोरी हो गया। बट आगे से ना गाइस मैं इस हैंगर को ना बंद कर दिया करूंगा, ताकि कोई भी इसके अंदर ना आ पाए, क्योंकि सीधी सी बात है कोई अंदर नहीं आएगा तो चोरी भी नहीं होगी। फिलहाल अपने प्लेन को यहाँ पर मैं एकदम तमीज में पार्क कर देता हूँ। अपने पास काफी सारे प्राइवेट जेट होंगे ना, तो काफी ज्यादा बढ़िया सीन होगा। और एक सेकंड, यहाँ पर ये बग्गी लेकर कौन घुसा है हमारे हैंगर में? इसकी ऐसी की तैसी कौन है ये? एक सेकंड, ये तो गाइस टेररिस्ट लग रहे हैं। ये भाग, ओ भाई ये तो सीधा स्नाइपर लेकर आ गए मेरे ऊपर। भाई सीन क्या है? तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन टेररिस्ट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और स्नाइपर का एम कर रखा है मेरे मत्थे पे। और ये बंदा ट्रेवर को पकड़ कर ले जा रहा है, और भाई साहब इसने पीछे से आके गर्दन पकड़ ली और अपने मत्थे पे रख दिए पिस्टल। और यार अभी ना इन लोगों ने अपने बाकी टेररिस्ट ग्रुप को भी यहाँ पर बुला लिया है, और हम लोग यार बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं सिर्फ और सिर्फ उस गोल्डन मंकी की वजह से, जो कि मैंने लास्ट टाइम उस बैंक से चुराया था। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल इन टेररिस्ट ने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है, और ये कह रहे हैं कि फटाफट से जाओ और वो जो गोल्डन मंकी तुमने जहां पर भी छुपा कर रखा है उसको लेकर आओ, अदरवाइज ये लोग ट्रेवर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो गाइस देखो, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं। इन्होंने ट्रेवर को उठाकर अपनी गाड़ी में भर लिया है, मुझे वो गोल्डन मंकी इन्हें लाकर देना ही पड़ेगा, वरना ये लोग भाई ट्रेवर को ले जाकर मार डालेंगे। फिलहाल मेरे पास वेपन्स तो हैं, बट मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूं, क्योंकि इन लोगों ने भाई चारों तरफ से सीधा मेरे मत्थे पे स्नाइपर का एम कर रखा है। और उससे भी बुरी बात यह है कि अपने पास इस टाइम पे आर्मर भी नहीं है, तो यहां से यार निकलने में ही भलाई है। फिलहाल यहां पर यार गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी कहां चलेगी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जल्दी से चलते हैं और वो जो गोल्डन मंकी है वो इन्हें लाकर वापस दे देते हैं। और ये हमें इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम पड़ चुका है कि वो जो लड़की थी ना हैकर, जिन्हें ये किडनैप कर अपने सबसे बड़े सेक्टर पे लेके गए थे, अपने सबसे बड़े बेस पे, वहीं से हम लोग उसे रेस्क्यू करवा कर लाए थे लेस्टर के फ्रेंड को, और उसी का प्लान था उस गोल्डन मंकी को चुराने का, इसीलिए टेररिस्ट ने अरेस्ट करा था। और वो जो गोल्डन मंकी है उसके लिए हमने चुराया, और हम लोग बहुत बुरी तरह भी फंस चुके हैं भाई। वैसे गाइस अभी ना फिलहाल अच्छी बात तो ये है कि मैं यहां से बाहर आ चुका हूं, वरना अगर हम दोनों लोग अंदर फंस जाते ना तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि फ्रैंकलिन एंड अंडरवाटर माफिया हम दोनों लोग को इन खतरनाक ब्लैक ऑप सोल्जर्स मींस इन खतरनाक टेररिस्ट से छुड़ा भी पाते। फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि ये जो टेररिस्ट है मेन, ये गोल्डन मंकी लेने के लिए यहां पर आए हैं या फिर पुरानी दुश्मनी पूरी करने के लिए। वैसे नहीं यार, हमने उस हैकर गर्ल को वापस रेस्क्यू करवाया है, और ये लोग उसी के लिए किडनैप करके लेके गए थे ताकि उन्हें गोल्डन मंकी वो मिल जाए। तो सीधी सी बात है, वो यही चाहते हैं कि बस हम इन्हें गोल्डन मंकी लाकर दे दें और फिर उसके बाद ट्रेवर को छोड़ देंगे। बट फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही। बाकी यार मुझे ना थोड़ा बहुत लेस्टर पे विश्वास नहीं है, क्योंकि भाई उसको सबसे ज्यादा प्यारा पैसा है, तो क्या पता वो हमें गोल्डन मंकी ले जाने ना दे और बोले कि जाओ भाई इन टेररिस्ट से लड़ के छुड़ा के लाओ ट्रेवर को, तो भाई फिर उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि जो टेररिस्ट है भाई सीधा मार डालेंगे उसको। जिस तरीके से भाई इन्होंने आकर किडनैप करा है ना, मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है सही में। फिलहाल चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी एक तो ये जो गाड़ी है ना गाइस, मुझे पता नहीं या तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है या फिर मैं एक सुपर कार की रेस कर आया हूं इसलिए अजीब लग रही है। चलो कोई नहीं यार, फिलहाल जल्दी से चलते हैं। ऊपर की तरफ में एक टैक्सी जा रही है, लो भैंस की, सस्ती गाड़ियों के लिए गेट कब भी नहीं खुलता है यार। टैक्सी वैक्सी नहीं है क्या आसपास? उसमें बैठकर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना भाई थोड़ी पुरानी कार है और ये मेरे से सच्ची में ड्राइव नहीं हो पा रही है। ये देखो कहाँ घुस रही है वो जा रही टैक्सी। रुको, अब बस इसके अंदर कोई सवारी ववारी ना हो, वरना तो मैं इसके भर डालूंगा। ओके खाली है, फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड में रोकते हैं। जल्दी। ओ हेलो भैंस की, कहाँ जा रहा है? भाई साहब उस बंदे ने तो रोकी नहीं, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक और टैक्सी जा रही है। और भाई हेलो, तू तो रोक दे। ओके लेट्स गो, फटाफट से चलकर गाइस बैठते हैं हम लोग इस टैक्सी में। एंड ये ठोकेगा ले जाकर, मेरे को लग रहा है उसमें नहीं, थोड़ा अच्छी ड्राइवर थी तो सही है। अभी फटाफट से गाइस हमें इसमें बैठना है और जल्दी से निकलते हैं सीधा भाई लेस्टर के पास ले चल। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इसको लेस्टर के घर का एड्रेस दे दिया है और अभी ये फटाफट से हमें वहां पर छोड़ने के लिए जा रहा है। तो चलो गाइस, फाइनली इस टैक्सी ड्राइवर ने फुल मजे में हमें लेस्टर के घर के बाहर छोड़ दिया है। चलो ओके ब्रो, अभी फटाफट से चलते हैं गाइस हम लोग लेस्टर के घर के अंदर एंड इसको पूरा का पूरा सीन बताते हैं कि हमारे साथ क्या ही गलत स्कैम हुआ है। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के घर के अंदर एंड इससे बात करते हैं इस खतरनाक सीन के बारे में। और ये इसके
चोट कैसे लगी हुई है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस मैंने ना इसको पूरा का पूरा सीन बता दिया है कि ऐसी ऐसी बात है, उन टेररिस्ट ने ट्रेवर को किडनैप कर लिया और अब वो गोल्डन मंकी मांग रहे हैं जो हमने बैंक से चुराया था। और यार लेस्टर कह रहा है कि वो जो गोल्डन मंकी है वो उसने अंडरवाटर माफिया के हाथों किसी को बेचने के लिए भिजवाया था, बट अंडरवाटर माफिया ने वो गोल्डन मंकी उस तक नहीं पहुंचाया। उस बंदे से लेस्टर की बात हो गई और वो कह रहा है कि वो मंकी उस तक नहीं पहुंचा है। और अंडरवाटर माफिया से इतनी बार लेस्टर ने पूछ लिया है बट वो नहीं बता रहा है कि आखिरकार वो गोल्डन मंकी गया कहां पर। भाई मतलब वो जो लेस्टर की चोट लगी है ना वो तब लगी, लेस्टर इससे जबरदस्ती कर रहा था पूछने की और उसने भाई उसके घुसंड बचा डाले। इसकी भैंस की बदमाश हो रहा है भाई, एक सेकंड रुकियो, अब बोल फालतू, अभी हमें बताएगा आखिर गोल्डन मंकी है कहाँ पर। लेस्टर इतने दिनों से इससे पूछ रहा है बट इसको समझ नहीं आ रही, भाई मैं इसे इतना बढ़िया दोस्त समझ रहा था। तो गाइस देखो, दिक्कत इस बात की नहीं है कि आखिर इसने वो गोल्डन मंकी उस बंदे तक नहीं पहुंचाया, दिक्कत इस बात की है कि आखिर इसने भाई साहब लेस्टर के आंख पे घूसा कैसे मारा। और दूसरी बात तो ये कि गोल्डन मंकी लेकर कहां पर गया है, हम लोग इसे इतने बढ़िया दोस्त मान रहे हैं और भैंस की चोरी कर रहा है पीठ पीछे। मतलब इसके हाथों लेस्टर ने वो गोल्डन मंकी किसी अमीर बंदे के पास बेचने के लिए बिकवाया, उसने बीच रास्ते में गायब कर लिया है और बताने का भाई साहब ये नाम ही नहीं ले रहा है। बट कोई नहीं, अभी अच्छे से बताएगा, इसकी हड्डी पसली एक करनी पड़ेगी। तो गाइस देखो, ये प्यार से तो नहीं मानने वाला है, अभी जब इसके रख रख के पड़ेंगे ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिलहाल एक कस के तो घुसा मैंने इसके मार दिया है, उठ तेरी भैंस की टांग। अभी गाइस मैं इसका बहुत गंदा वाला ही भूत बनाने वाला हूं, आज गाइस इसको नहीं छोड़ूंगा। पहली चीज इसने लेस्टर को क्यों मारा और दूसरी चीज ये इसलिए पिटने वाला है, मेन तो भाई साहब गोल्डन मंकी बता, क्योंकि अपने लिए भाई ट्रेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो यार ये भी है, बहुत पुराना दोस्त है, बट कोई नहीं, इसका आज भूत बनेगा बहुत गंदे वाला। गया है नीचे भाई बहुत गंदे तरह, उठ उठ अभी तो और मारूंगा तेरे को भैंस की, गन निकालनी पड़ेगी गाइस। अभी इसको मैं साफ धमकी दे रहा हूँ, अगर हमें नहीं बताएगा तो मैं इसको भाई सही में ठोक डालूंगा। चल नीचे निकाल लेते हैं भाई गन, अब देखी जाएगी, उठ जा उठ जा उठ जा भाई भाई भाई, इस बारी ज्यादा ही तेज तो नहीं गिर गया। वैसे यार मारना तो नहीं चाहता हूँ बट अभी करना पड़ेगा, पैर पे मैंने इसकी गोली बजा दिया है और कांप गया भाई पूरा बंदा। एक और मार देता हूँ, अब परमानेंट ही भाई इसका पैर ना टूट जाए, इसीलिए गाइस थोड़ा सा रुक जाते हैं। और लग गई है इसके, लग रहा है बहुत तेज। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल अंडरवाटर माफिया ने थोड़ी बहुत कुटाई सहने के बाद हमें बता दिया है कि आखिरकार वो जो गोल्डन मंकी है वो एक्चुअली में है कहां पर। तो यार देखो पूरा सीन हुआ क्या था, लेस्टर ने ना इसके हाथों किसी बंदे के पास भिजवाया था वो बेचने के लिए, वो बंदा खरीदता और उसके बदले पैसे दे देता और वो जो पैसे हम पांचों लोग में बट जाते, बट बीच रास्ते में गाइस इसके दिमाग में और भी ज्यादा लालच आ गया। इसको लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है जिम शिम करके, तो सीन ये हुआ कि ये उसे लेकर चला गया फाइट क्लब में, वहां पर लगा दी इसने बैट कि जो भी बंदा इसको फाइट में हरा देगा उसको ये गोल्डन मंकी दे देगा, अदरवाइज सामने वाले बंदे को $1 million पे करने पड़ेंगे। तो उसने सोचा था इसी तरीके से 10-15 बंदों को हरा के $10 million जीत लेगा। तो उसने एक दो बंदों को हराया बट एक खतरनाक बंदा ऐसे आया जिसने इसको हरा दिया और वो जो गोल्डन मंकी है उस बंदे के पास चला गया। अब यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो गोल्डन मंकी है वो अंडरवाटर माफिया आज से 4 दिन पहले हरा था, पता नहीं यार वो अब तक तो कहां से कहां चला गया होगा, कहीं उसने किसी और को ले जाकर ना भेज दिया हो। फिलहाल अपने पास अब एक ही ऑप्शन है, चलते हैं सीधा अंडरवाटर माफिया के साथ ही। वैसे यार बंदा तो बहुत ज्यादा अच्छा अंडरवाटर माफिया, उसने हमारे ऊपर भाई एक बार भी हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये तो है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। बट यार उसने लेस्टर को क्यों मारा मेरे को वो नहीं समझ आ रहा, क्या पता लेस्टर उसे मारने जा रहा हो इसलिए उसने अपनी सेफ्टी में उसके एक आध घुसा जड़ दिया हो। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे सामने की तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी भी मिल गई है और साथ ही मैंने अंडरवाटर माफिया को भी बोल दिया है कि फटाफट से आ जा और मेरे साथ गाड़ी में बैठ और मुझे लेकर चल सीधा उस जगह पर, मींस उस फाइट क्लब पे जहां पर वो गोल्डन मंकी तू हार कर आया। क्योंकि यार हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, जीता कौन था, लेकर कहां पर गया, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट पता ही चलेगा। फिलहाल अभी आकर बैठ चुका है और मुझे यार अभी थोड़ा बहुत दुख हो रहा है यार इसके लिए, क्योंकि मैंने इसके पैर पर गोली बजा डाली है। वैसे अच्छी बात है पैर पे मारी थी, उस टाइम मैं थोड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और मत्थे वत्थे में दे मारते तो भाई अभी गड़बड़ी हो जाती, बट कोई नहीं यार बंदा दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है, पता नहीं क्यों इसने भाई लेस्टर की बजाई थी, बट मेरे हिसाब से आज के बाद ये कभी लेस्टर को नहीं मारेगा। फिलहाल अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले अभी हमें वो चाहिए गोल्डन मंकी, क्योंकि हमें ट्रेवर को सेफली बचाना है। अगर कुछ भी गड़बड़ी ना तो टेररिस्ट भाई, मीन्स 4 घंटे का टाइम है, 3 घंटे बचे होंगे अपने पास अभी, तो वहां सारा काम खराब हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं सीधा फाइट क्लब। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा लॉस सैंटोस फाइट क्लब पहुंचने वाला हूं और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि भाई अपने लॉस सैंटोस में कोई ऐसी जगह भी है, पहली बार मालूम पड़ा है वो भी अंडरवाटर माफिया से, क्योंकि ये बॉक्सिंग फाइटिंग इन सब में बहुत ज्यादा ही लगे रहता है। फिलहाल मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है, ये कह रहा है कि बस अंदर जाते ही है वो फाइट क्लब, और अभी चलकर देखते हैं भाई कि वहां पर आखिरकार वो गोल्डन मंकी है भी या फिर नहीं। खैर वो तो वहां पर जाके ही पता चलेगा, फिलहाल यहीं पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क
कर देते हैं। तो एक काम कर, यहीं पर बैठे रहे, मैं अंदर जाकर सीन देख कर आता हूँ, क्योंकि यार ये हारा है, अगर ये दोबारा अंदर जाएगा तो इसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। फिलहाल यहाँ पर बाउंसर खड़ा हुआ है, मैं तो जा सकता हूँ ना, वैसे इतना भी कोई ज़्यादा गलत सीन नहीं है, हर कोई जा सकता है इस फाइट क्लब के अंदर। बस यहाँ पर उभैंस की, यहाँ पर तो नीचे कुछ ज़्यादा खतरनाक बाउंसर भी खड़े हुए हैं, वो भी शॉट गन ले गए। चलो कोई नहीं, चल कर देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे अभी भी किसी ना किसी की लड़ाई चल रही है, लात एक घूंसे चलने की आवाज़ें आ रही है भाई नीचे से। फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन है। ओ भैंस की, इसको भाई सब बक्से के अंदर लेटा के मार रहा है ये बंदा बहुत गंदी तरह। और यहाँ पर भी एक बंदा भाई गिरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा चोट भी लगी हुई है इसके। तो गाइस मुझे लग रहा था कि यार कोई बढ़िया सा WWE टाइप स्टेडियम होगा, क्योंकि लॉस सैंटोस का फाइट क्लब है। और यहाँ पर तो भाई इन लोगों ने बेसमेंट में, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो भाई क्या हाल कर रखा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी आई हुई है, नीचे पता नहीं किसी का फाइट चल रहा है। वो भाई उसने गंदी तरह एक बंदे को दबोच रखा है। इनका बॉस कहाँ पर है भाई, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि अभी मेन मेरे को वो गोल्डन मंकी चाहिए, उसके बदले वो मेरे से पैसा मांगेंगे तो मैं उन्हें पैसा भी लाकर दे दूंगा, क्योंकि यार अभी ट्रैवर को बचाना जरूरी है। मेरे हिसाब से ऑफिस ऊपर ही होगा, तो फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं। भाई साहब ऐसा लग रहा है इन्होंने ना किसी नाले के बंकर में यहां पर अपना फाइट क्लब खोल दिया है। भाई लॉस सैंटोस का नाम बदनाम कर रहे हैं, इतना घटिया फाइट क्लब खोल गए। तो हाँ गाइस यही है बॉस का रूम, तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना। ओके, तो फटाफट से चल के गाइस हम लोग इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस फाइट क्लब के बॉस से बात हो चुकी है, और गाइस ये कह रहा है कि ये जो गोल्डन मैन की स्टैचू है ये यहीं पर है इनके पास, बट हम लोग इसको ले नहीं सकते, हम लोग चाहे नहीं जितना मर्जी पैसा दे दे ये हमें नहीं देने वाले, हमें इसे यहाँ से जीत कर ही जाना पड़ेगा। मीन्स जिस बंदे से अंडरवाटर माफिया ये हारा था, हमें उसी बंदे को हरा कर इसे यहाँ से जीत के जाना पड़ेगा। फिलहाल वो बंदा आप लोग नीचे देख पा रहे हो ना, वही है भाई साहब, वो तब से उस बंदे का गला दबाकर बैठा हुआ है, उसने अंडरवाटर माफिया को भी हरा दिया है। और भी काफ़ी सारे बंदे वहाँ पर नीचे इधर उधर गिरे पड़े हैं, मेरे हिसाब से उसको भी इसी ने मारा होगा। पता नहीं यार मैं इससे जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं, बट अभी अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो जो स्टैचू है मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि उसे सही तरीके से ही जीत के जाया जाए। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी टी शर्ट भी उतार लिया है, और इस टाइम मैं जाने वाला हूँ सीधा इस मौत के कुएं में। मेरे को सिर्फ इस मॉन्स्टर को इतना मारना है कि बस ये मेरे पैर छू दे और उसके बाद हार मान ले मेरे से। अभी फिलहाल मैं पहले तो मैं ही स्टार्ट करूंगा, रख के गाइस मैंने इसके एक मुक्का मार दिया उठ, आखिर मैं भी तो देखूं भाई कितनी जान है इसके अंदर, जिसने अंडरवाटर माफिया को भी लपेट डाला भैंस की। अबे ये तो हथियार लेके लड़ रहा है भाई, ऐसे थोड़ी होगी भाई फाइट क्लब की फाइट। वैसे यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक पूरा इलीगल फाइट क्लब है, और इस तरीके से तो वेपन्स ला रहा है यार, ये थोड़ा सा गलत ही लड़ रहा है। एक सेकंड, अभी इसने भाई एक और बचा दिया रखकर, अगर अब की लग गई ना बेटा बहुत गंदी तरह मारूंगा, आ जाओ बेटा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर मैं इसके बोतल अटैक से कैसे बचूं, भाई ये टूटी हुई बोतल लेकर आ गया। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इसने अपना रेंच दोबारा से बाहर निकाल लिया है, और भाई साहब सीधा मुंह पे अटैक कर रहा है ये। एक सेकंड, ओ भाई उठने तो दे, हेलो भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक बंदा है। और इसने अभी दोबारा से यहाँ पर एक पूल स्टिक बाहर निकाल लिया है, रुक जाओ भाई एक सेकंड, यहाँ पर अगर इस टाइप के वेपन्स अलाउड होते तो मैं भी अपने साथ लेकर आता, बट यार ये बंदा बहुत ज़्यादा कोई ये बॉक्सर नहीं है, ये बहुत बड़ा चीटर है भाई। सारे खतरनाक इसने वेपन्स डंडे वंडे सब अपने पास रखे हुए हैं, ताकि ये किसी भी बंदे को ईजिली हरा पाए। फिलहाल मैंने इसके दो ही घूसे मारे थे, और इसे मैं इसके मुँह की हालत देखो भाई क्या हो चुकी है, बट अभी मैं इसके और मारने वाला हूँ। ले बेटा एक और दिया है मैंने इसके रख के, और अगर अब की फिर से रेंच इसने बाहर निकाल लिया है, और अभी अपनी बैंड बजने वाली है। मेरे को भागना पड़ेगा भाई पहले से थोड़ा सा दूर, वरना ये बहुत गलत सीन कर देगा। इसको गिरा देता हूँ गाइस मैं पहले, अब मैं इसके ऊपर चढ़ के ना इसे मारूँ, उठने ही नहीं दूंगा इसको मैं। उठ बेटा, बहुत हो गया इसका, भाई साहब मोटा लग रहा है, जेल से छूट के आया, इसने जेल वाले कपड़े पहन रखे हैं, और यहाँ पर आकर फाइट क्लब में घुस के पैसा कमा रहा है। चलो भाई अभी मैंने इसके रख रख के भर दिए हैं, अब वापस उठ बेटा। दोबारा से गाइस ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है, बट इस बारी गाइस मैं इससे इस तरीके से नहीं, बहुत अलग तरीके से लड़ने वाला हूँ। अब पड़ेगा इसे रख के मुक्का, वो भी मुँह पे, पूरा मुँह हिल गया होगा भाई इस बारी। दोबारा कोशिश, भाई ये नहीं छोड़ने वाला यार, ये जब तक इसके हाथ में रेंच रहेगा ना तब तक हम लोग भाई पिटते ही रहेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई वो इतने खतरनाक चीज से हमें मार रहा है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल इस बंदे का बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी और ये अपनी बराबरी की फाइट, इसने भी अपने वेपन अंदर रख लिया है, और अभी मैं इसके रख रख के भैंस की, जितने मैं मार रहा हूं उतने के बराबर ये मेरे एक मार दे रहा है। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब इसकी बैंड बजाने का टाइम आ चुका है, मार के दिखा बेटा। अब मैं थोड़ा सा कवर लूंगा, और इसके मुंह ही मुंह पे मैं बजाने वाला हूं। भाई मुंह इसका पूरा चटनी हो चुका है, बट ये फिर भी अभी हमसे लड़े जा रहा है। ले तेरी ऐसी की तैसी, मुंह पे पड़ा है इस पारी तो इसके रख के, ये जितनी बार मारेगा मैं
से बच के इसके पेट पे और एक मुंह पे घुसा बजाता हूँ। तो गाइस यार देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसी तरीके से इस बंदे से और लड़ता रहा ना तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और ये मेरे को भाई सही में मार डालेगा। क्योंकि अगर अगली बार इसने अपना बेसबॉल बैट निकाला और अगर बाय चांस मेरे सर पर लग गया ना तो भाई मैं ढेर हो सकता हूँ। उससे पहले ना गाइस मैं सोच रहा हूँ इसी को निपटा कर ना गाइस यहाँ से भाग लूँ जल्दी से। पीछे की तरफ में काफी सारे लोग हैं, मुझे मालूम था ये सारे के सारे मेरे को मारेंगे। ये सारे उसी के चमचे हैं भाई, उसी की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। बट कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको तो डाउन कर दिया है, वो बस किसी भी कीमत पे जिंदा ना हो जाए वरना हम लोग नहीं जिंदा बचने वाले। फिलहाल इन जालियों में करंट आ रहेगा भाई, इतना उड़ कैसे रहे हैं सारे बंदे, पता नहीं यार क्या सीन है। फिलहाल सामने की तरफ में एक दो बंदे और हैं, इनको भी मैंने डाउन कर दिया है। और भाई सच्ची में उस जाली के अंदर कुछ ना कुछ तो खतरनाक सीन है, जो बंदे इतनी बुरी तरह हिल रहे हैं। फिलहाल पीछे की तरफ में यहाँ पर एक लड़की और है, इसको भी मैंने डाउन करा। और सामने ये भाई साहब है, ये भी गए। पूरे के पूरे फाइट क्लब में एट द एंड हमें लड़ना ही पड़ गया और अभी मुझे गाइस वहां से लेकर उसे निकलना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा गंदी तरह अपनी गोलियां तो पड़ चुकी है भाई, अपनी हालत इस टाइम पर भाई ज्यादा ठीक नहीं है। अगर एक भी सिर पे लग गई ना तो हम लोग वहीं ढेर हो जाएंगे। सामने की तरफ में एक बंदा और है, इसको भी मैंने यहीं से डाउन कर दिया है। जिंदा बचा है, एक सेकंड, गोलियां आर पार जा नहीं रही क्या सही से? अब बस इनका बॉस बचा है, उसको भी चलकर हम लोग लपेट डालते हैं। ये रहा सामने, चलते ही रही ऐसे की तरह, इसको तो मैंने बाहर से ही मार डाला। लेट्स गो, सारे बंदे यहाँ पर बहुत बुरी तरह मारे जा चुके हैं। मैं इनको यार सच्ची में मारना नहीं चाहता था बट अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली वो जो गोल्डन मंकी है हमारे यहाँ तो लग चुका है, फटाफट से इसे उठा के गाइस यहाँ से निकलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने वो गोल्डन मंकी स्टैचू उठाकर सीधा अपनी पॉकेट में डाल दिया है। अब बस मुझे वो ट्रेवर को ले जाकर देना है, मींस टेररिस्ट को ले जाकर देना है, तभी वो ट्रेवर को छोड़ने वाले हैं। वैसे गाइस अभी बस एक ही चीज की टेंशन है, कहीं ऐसा ना हो कि टेररिस्ट भी भाई ट्रेवर को ना छोड़े तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने कर दिखाया, सही तरीके से नहीं बट गलत तरीके से जरूर कर दिखाया। अभी गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, काफी सारे लोगों को मैंने मार भी दिया है। और बाहर की तरफ में मुझे लग रहा था भाई कोई ना कोई यहाँ पर तो बैठा हुआ है। भाई साहब ये सलवा गैंग के बंदे यहाँ पर कहाँ से आ गए? भाई कोई भी घटिया जगह हो ये सलवा गैंग के बंदे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बंदा यहाँ पर और खड़ा हुआ है बट कोई नहीं, इसको भी हम लोग यहाँ पर मस्त एकदम डाउन कर देते हैं। एंड पीछे की तरफ में भी है क्या कोई? अच्छा सामने से लग रहा है कोई तो मारने की कोशिश कर रहा है, ये खड़ा हुआ है। छुप छुप के भाई बगल बगल में खड़े हो रखे हैं सारे लोग। चलो फिलहाल अभी मैंने इसको भी डाउन कर दिया है, अपनी M249 नहीं गई, M416 निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी मेरे हिसाब से। एंड ऊपर की तरफ में अभी और भी काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं। चलो कोई नहीं यार देखी जाएगी, अभी हमें यहाँ से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा कुछ भी करके। यहाँ पर इनका मेरे को पैर नजर आ रहा है, एक एक करके गाइस सबको डाउन करते हैं। अपने पास इस टाइम पर थोड़ी सी एडवांटेज है, मैं पहले इनका पैर देख सकता हूँ। वैसे नहीं यार वो भी लोग मेरा पहले ही पैर नजर आ जाएगा उनको, यहाँ पर भी कोई ना कोई तो खड़ा है। मैं कॉन्टिन्यूसली गोलियाँ चलाता हुआ जाने वाला हूँ इस टाइम पर, ताकि अगर कोई भी हो तो भाई नजर आ जाए। फिलहाल अभी मैं सीधा एग्जिट पर आ चुका हूँ, फटाफट गाइस ये एग्जिट नहीं है, एक सेकंड, नहीं नहीं ये एग्जिट है भाई। इधर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, मुझे लग रहा था अभी भी अंदर वाली जगह ही है। फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। अंडर वाटर माफिया भाई गोली चल रही है, यानी कि कम से कम अंदर एक बार देखने आ जाए चल क्या रहा है। भाई इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि मैंने उसको थोड़ा बहुत मारा है इस चक्कर में। फिलहाल सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है, इसको भी मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया। बाहर से कोई ना कोई तो यहाँ पर आया लड़ने के लिए। ओ भाई 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 ये सलवा गैंग के बंदे भाई नहीं मारने वाले। ये ऊपर भी एक खड़ा हुआ है, इसको भी मैंने मारा। अभी गाइस जल्दी से मैं यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा अगर इन्होंने अपने और बंदे या फिर पुलिस को बुला लिया तो। अरे गाड़ी सही से चल क्यों नहीं रही है भाई? चलो गाइस अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके मैंने अपनी गाड़ी को उस जगह से बाहर निकाल लिया है। अभी फटाफट से ना गाइस मैं टेररिस्ट को कॉल करके बता देता हूँ कि वो स्टैचू मेरे पास है, मुझे कहाँ पर देना है वो जगह तुम मेरे को बता दो। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल टेररिस्ट ग्रुप के इंचार्ज से बात हो गई है और अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे इन लोगों ने मिलने के लिए बुलाया है। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। एंड ये कौन पागल है बीच रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर गया हुआ है? वैसे यार अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सारी सिचुएशन वापस से ठीक होने वाली है। अब बस हमें एक गोल्डन मंकी इन लोग को देना है और अपना काम ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो रोजर्स स्क्रैप की बिल्डिंग है, फिलहाल के लिए टेररिस्ट ने इस बिल्डिंग को अपना अड्डा बना रखा है लॉस सैंटोस में। मुझे यार पहले ही शक हो जाना चाहिए था इनके ऊपर कि ये लोग कहीं ना कहीं तो लॉस सैंटोस में छुप कर बैठे हैं, तभी इनको सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। इनको एकदम एग्जैक्ट पता था हम लोग एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, तभी ये लोग पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। जैसे अपना प्लेन लैंड हुआ हैंगर में पहुंचा, इन्होंने आकर हमें घेर लिया। फिलहाल ये जो गोल्डन मंकी है जल्दी से ले जाकर हम लोग इन टेररिस्ट को दे देते हैं। और मुझे ना इस टाइम पर थोड़ा बहुत डर लग रहा है अंदर जाते हुए, मुझे मालूम था यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट होंगे, पूरी मस्त सिक्योरिटी रखकर बैठे हुए हैं, बट यार ज़्यादा डरने की बात नहीं है, चलते हैं जल्दी से ऊपर। वैसे यार ये लोग देख के थोड़ा बहुत मतलब दया तो खा ही जाएंगे यार मेरे ऊपर, क्योंकि इस टाइम माइकल की पूरी बनियान भाई खून से लिपटी पड़ी है। फिलहाल यहाँ पर ये बंदा है, इसको मैं दे देता हूँ ये गोल्डन मंकी।
तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ये गोल्डन मंकी मैन एंड टेररिस्ट को दे दिया है और फाइनली गाइस इन लोगों ने ट्रेवर को भी छोड़ दिया है। भले ही अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब यार वो जो गोल्डन मंकी है वो कम से कम 300 से 400 मिलियन डॉलर्स का बिक सकता था, बट यार दोस्त की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी बात यह है कि अभी ट्रेवर जो है बचकर आ चुका है। ये लोग कहाँ रहे? ओ एक से भैंस की यहाँ पर एक गाड़ी कैसे ब्लास्ट हुई भाई साहब? मुझे लग रहा था ये जो टेररिस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यार इन्होंने तो हमें मारने की प्लानिंग कर रखी थी। वो तो सही है कि मैं थोड़ा सा रुक गया, अभी गाइस मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। ये वाला रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है क्योंकि सामने की तरफ में इन्होंने मॉन्स्टर ट्रक लाकर ब्लास्ट कर दिया। इनको लग रहा था ये लोग हमें इतनी ईजिली मार देंगे। फटाफट से आ जाओ ऊपर की तरफ में, अब ये टेररिस्ट हमसे बहुत बुरा पिटने वाले हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया भी अपने साथ ऊपर आ चुके हैं और सामने की तरफ में एक टेररिस्ट और था, मैंने उसको भी डाउन कर दिया। और वो बंदा कहाँ चला गया भाई जिसके पास गोल्डन मंकी था? भाई साहब इनकी कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है, अभी उसको भी लपेटना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं क्या होगा, उसको लपेट के अपना गोल्डन मंकी भी यहाँ से लेकर निकलते हैं। सिचुएशन इस टाइम पर पूरी अपने हाथ में है, इन्होंने हमें कहीं से भी इस बारी घेर नहीं रखा है। हम लोग एक एक करके ना इन सभी लोग को डाउन करते जाएंगे, बट आराम से पहले उन लोग को भी आ जाने दो भाई, तभी उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि टेररिस्ट पीछे से भी आएंगे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया भी भाग कर यहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मेरी गन गी रोड पे लग गई भाई 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 भाई, बहुत गलत सीन हो जाता अभी। तो मैं काम करता हूँ भाई, अपनी M249 बाहर निकाल लेते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और यहाँ पर हमने दो तीन बंदों को और मार डाला है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। ये टेररिस्ट ने सच्ची में, इनको पता है क्या लग रहा था कि जैसे हम लोग गेट से बाहर निकलेंगे वैसे ये लोग बम ब्लास्ट करके हम तीनों को मार डालेंगे ताकि हम लोग इनका बाद में भी कुछ ना बिगाड़ पाएं। बट सही है कि गाइस हम लोग बाहर निकले ही नहीं, अगर हम लोग गेट तक पहुंच गए होते ना तो हम वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाते। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। इस टाइम पर अंडरवाटर माफिया पूरा जोश लगा रहे हैं लोग को मारने में। एक बंदा और बचा है, यहीं से सीधा मत्थे पे हमने गोली बचा डाली। बट अभी ना गाइस, ये वाली जो बिल्डिंग है काफी ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर एग्जिट दो ही है, एक बैक साइड की और एक फ्रंट साइड की। फिलहाल बैक साइड वाली पूरी ब्लॉक है एंड ये जो फ्रंट साइड वाली है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। एक बार इस बिल्डिंग से हम लोग बाहर निकल जाएं फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग को अपनी पूरी भाई जी जान लगानी पड़ेगी। एंड मुझे लग रहा था कि भाई कोई भी नहीं आ रहा, बट यहाँ पर दो दो लोग आए हैं भगते हुए। कोई नहीं, बहुत सही। ओ एक सेकेंड भाई, हथियार तो लिया, कैसा नकली टेररिस्ट है, अपने वेपन्स तो लिया ढंग से। मारो 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 उसको, लपेटो अच्छे से लपेटो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं भी हल्का सा ना बदला ले लेता हूँ इनसे। एयरपोर्ट पे इतनी बुरी तरह लपेटा था इन लोगों ने भाई मुझको और ट्रैवर को, पूरी गर्दनें पकड़ ली थी हम दोनों की। अबे मारोगे तुम्हारी ऐसे की तैसी, मारो गंदी तरह इनको। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोगों ने इनको तो एकदम मस्त तरीके से लपेट दिया है। फिलहाल एक बंदा यहाँ पर और भगता हुआ आया था, इसको भी मैंने मार दिया। इस खिड़की को तोड़कर हम लोग यहाँ से नीचे नहीं जा सकते क्या? वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि अभी ना नीचे से और भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ, ग्रेनेड फेंक देता हूँ, तुम लोग भाई आगे मत आना वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ग्रेनेड दूसरे रूम में जा चुका है। फटाफट से गाइस ये वाला गेट खोलते हैं, जो भी सामने आएगा सीधा उसके मत्थे पे इस टाइम पर अपनी गोलियां पड़ने वाली है ताकि वो आ ही ना पाए। फिलहाल यहाँ पर अपने पास ग्रेनेड है, इधर कवर ले लेता हूँ। मुझे पक्का पता है सामने वाले रूम में कोई ना कोई तो छुपकर बैठा है। पता नहीं यार, अभी तक तो मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही उस रूम से। शायद हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं उन सभी को मार दिया है। अब फटाफट से गाइस चलते हैं हम लोग उस वाले रूम में। अगर आवाज़ आई यहाँ पर कोई तो है। ग्रेनेड मैंने इधर डाले, पीछे हो जाओ वहाँ ग्रेनेड। ओ भाई भैंस की, चक्कर आ गए ट्रेवर को, बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे से ग्रेनेड गिर गया था। और अभी उन लोगों ने भी भाई कुछ ना कुछ तो खतरनाक वेपन मारना शुरू करा है, बहुत तगड़ा आवाज़ आ रहा था। बट कोई नहीं, यहाँ पर ये सारे डाउन है। एक बंदा और बचा था, इसको भी हमने डाउन कर दिया है। ऊपर की तरफ में भी चढ़ चढ़ के बैठे हैं, स्नाइपर का शॉट इसके मैं बजाऊंगा। पता नहीं शायद ट्रेवर ने उसको बजा के डाउन कर दिया है। ओ कोई तो है बट वहाँ पर वो बिल्कुल गया। अच्छा बेटा कवर लेकर बैठोगे, चलो कोई नहीं। शॉट गन थी उसके पास बट उससे पहले मैंने उसको मार डाला। फिलहाल यहाँ पर अब ग्रेनेड अपने यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि गाइस अभी हम लोग रिस्क ले सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब बस ये फैक्ट्री में कोई सिलेंडर वगैरह ना हो जो कि ब्लास्ट हो जाए। सारे ग्रेनेड फेंक देता हूँ मैं वहाँ ताकि जितने भी बंदे आ रहे हैं ना सारे के सारे फट के ही मरते जाएं। एक के, ओ भाई 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 मेरे से दूर। ओ भाई इस पूरी जगह में आग लगने वाली है, बहुत गंदी। भागो यहाँ से भागो। नहीं, थोड़ा सा मामला शांत हो गया है। जैसे तैसे करके यहाँ पर जो है आग धीरे धीरे बुझ चुकी है। एक बंदा और हमने यहाँ पर भाई मार के डाउन कर दिया है। भाई ये गेट पूरा मत जल यार, तू खुल जा, हम बीच से निकल जाते हैं प्यार से। और फाइनली गाइस हम लोग एग्जिट तक पहुँच चुके हैं। उम्मीद है यहाँ पर अब हमें कोई भी नहीं मिलने वाला। लेट्स गो, रास्ता पूरा खाली है। अभी फटाफट से ना गाइस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी भाग कराओ। यहाँ पर एक टेररिस्ट की बग्गी भी खड़ी है, बट बग्गी नहीं, अभी हमें कार चाहिए होगी जिसके अंदर हम चार लोग बैठ पाएं। वैसे कार का रास्ता ये बहुत सही है। जल्दी से गाइस हम लोग ना सीढ़ियाँ टाप कर यहाँ से निकल लेते हैं। पीछे की तरफ में गाइस टेररिस्ट खत्म नहीं हुए हैं, एक के बाद एक आए जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से गाइस मैं जंप मारता हूँ सीधा सामने की तरफ में। एंड ये वाली जो वॉल है ना, बस मुझे इसे टाप के यहाँ से निकल लेना, अपना काम हो जाएगा।
भाई ये फायर ब्रिगेड वगैरह भी यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया कहीं ना कहीं तो आग लगी है। सामने की तरफ में खड़ी है गाड़ी, जल्दी से इस गाड़ी को लेकर अभी मुझे निकलना होगा। गाड़ी के अंदर आया सर 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 आप गाड़ी रोक दो, आपके बस की ना है, जल्दी 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 बाहर आ जाओ। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। तू उठने लायक रहेगा तब बताएगा ना। और फटाफट से आ गए हैं ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया भी, गाड़ी में बैठो। फाइनली गाइस हमने ट्रेवर को बचा लिया है, बट ये टेररिस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। जिस तरीके से इन्होंने हमें पहले किडनैप करा था ना, मींस एयरपोर्ट में जब इन्होंने पकड़ा था, ये चाहते तो हमें मार सकते थे, बट यार इनको अपना काम करवाना था और इन्होंने अपना काम करवाने के बाद हमें मारने की कोशिश करी। बट सही है, हम लोग गेट तक पहुंचे नहीं वरना ब्लास्ट होते और हम ख़त्म थे। अभी फिलहाल जल्दी से चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। फाइनली हमने ट्रेवर को बचा लिया है, बट गोल्डन मंकी अपने हाथ से निकल चुका है। मुझे नहीं मिला वो बंदा जो गोल्डन मंकी लेकर निकला था। तो यार अभी ना फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा प्लीटो के लिए, क्योंकि वही है एक सेफ शहर जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं टेररिस्ट से बच के। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.2 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड फटाफट से आए तो जल्दी से लाइक गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।